हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग। इस मेथड से हम लोग किसी भी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कोई भी इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो, समझे। डिग्री मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर इन द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर होता है वही डिग्री हो जाता है उसका। इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर है वो है 2, तो इसका मतलब ये क्या है, 2 इसका डिग्री है इस इक्वेशन का। और जिस इक्वेशन का डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो हम लोग को मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करना होता है, जो इक्वेशन होता है उसके पहले पार्ट को और लास्ट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप सोच रहे हैं एक्स स्क्वायर का 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके कोफिशियंट का मल्टीप्लाई करेंगे। कोफिशियंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू रहे, कोई भी नंबर रहे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब आप 1 समझिए। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 20 नहीं, माइनस 20 है। पर माइनस 20 का हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे बस नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 20 इज इक्वल टू 20। अब 20 आ गया। अब 20 को हम लोग ऐसे ब्रेक करना है कि यहाँ पे x लाना है, हम लोग को x मतलब 1 लाना है। तो 20 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसका पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 2 से जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। तो अब हम लोग को 5 × 2 = 10 और 10 × 2 = 20 ऐसे हो सकता है। पर हम लोग को क्या लाना है, 1 लाना है, क्योंकि यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट करना है और जो मिडिल वैल्यू है वो x का कोफिशियंट 1 है। तो हम लोग यहाँ पे 1 कैसे लाएंगे, और हम लोग को 1 लाएंगे, देखिए आप पहले समझिए। यहाँ पे 5 है, 2 है, 2 है। अब अगर हम लोग 2 × 2 को ले लेते हैं और 5 को अलग ले लेते हैं तो ये 5 × 4 हो जाएगा। और 5 × 4 = 20 होता है, मतलब हम ये भी ला दिए, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, 20 आना चाहिए, और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये इसका कोफिशियंट आना चाहिए, मिडिल टर्म का कोफिशियंट आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म का कोफिशियंट आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए। 20 क्यों, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जो मल्टीप्लाई किए वो आना चाहिए। तो हम लोग देखिए 5 और 4 परफेक्ट है, इसलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को ऐसे करना है कि ये प्लस साइन आए, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे माइनस आ जाए, ऐसा इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग को पता है कि किसी भी दो नंबर का जब सब्ट्रैक्शन होता है तो उसमें जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका साइन लग जाता है वहां पे। तो यहाँ पे हम लोग बड़ा वाला नंबर प्लस 5x ले लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे, और जो छोटा वाला नंबर है उसको हम लोग लेंगे माइनस 4x। माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब हम लोग को देखिए प्लस 5x माइनस 4x, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स आएगा। तो ये मतलब हम लोग का जो मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ है वो सही हुआ है। अब हम लोग को क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स है, मतलब हम लोग इसमें से एक्स निकाल सकते हैं, एक एक्स निकाल सकते हैं। तो एक एक्स अगर हम लोग बाहर निकालेंगे यहाँ से तो यहाँ पे एक एक्स बचेगा और प्लस बचेगा, और यहाँ से ये वाला एक एक्स बाहर निकाल दिए तो यहाँ बस 5 बचेगा। अगर आपको कन्फर्म करना है तो इस एक्स का मल्टीप्लाई फिर इन दोनों में कर दीजिए, तो अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब आपने कॉमन सही लिया है। फिर हम लोग को क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 5 कॉमन आ रहा है, अरे सॉरी 4 कॉमन आ रहा है। तो माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो अंदर आपका प्लस बन जाएगा। तो माइनस 4 कॉमन लेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बस एक्स बचेगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पे प्लस कैसे हुआ आप पूछेंगे, तो ये
मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कंफर्म करना है आपका जो कॉमन है वो सही आपने लिया है कि नहीं, तो आपने जिस नंबर को कॉमन लिया है उसका अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो अगर आप -4 का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे और इससे, तो देखिए क्या बन रहा है। इसका मल्टीप्लाई आप करवाएंगे एक्स से तो बनेगा -4x, जो कि एकदम सही है। और यहाँ पे आप 5 से करवाएंगे तो -20, तो ये भी बिल्कुल सही। इसका मतलब हमने कॉमन एकदम सही लिया है। अब देखिए यहाँ पे +5x और x+5 और x+5 ये दोनों सेम है, तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट में ऐसा करते हैं कि अब हम लोग इसका जीरोस लेते हैं। x-4 हो गया और x+5 हो गया = 0 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्स एक ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों में से हम लोग सिर्फ एक ही को लेते हैं, या तो इसको लीजिए या तो इसको। और ये देखिए x-4 इन दोनों का हम लोग एक बना लेंगे ब्रैकेट, ये एक जीरो हो जाएगा इनका और ये एक जीरो हो जाएगा। अब हम लोग इसमें x का वैल्यू निकालेंगे दोनों में, तो इसमें आपको पता है x = 4 आएगा, 4 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसमें x = -5 आएगा, 5 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा, ये दोनों क्या है, रूट्स ऑफ एक्स और इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन के रूट आए हैं। तो आपको पता चल गया कि मिड टर्म स्प्लिटिंग करते कैसे हैं। थैंक यू।